कैसे हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सब। चलिए, बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के हिसाब से, और उसमें से कुछ पुराने चैप्टर्स रह गए थे, कुछ टॉपिक छूट गए थे, तो एक नई प्लेलिस्ट बना करके सारे वीडियोज को फिर से सिक्वेंस से लगा रहा हूँ। और चैप्टर 8 हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। चैप्टर 9 का लेक्चर 1 जो पुराना लेक्चर था, मैंने आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। ये वीडियो देखने से पहले, आप जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 9 का, और इसका चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 1 करीब मैंने शूट किया था नवंबर दिसंबर में 2018 की बात है शायद, हाँ 1.5 साल पहले की बात है, तो उस समय इसको शूट किया था। तो उसके पिक्चर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो इसके पहले का लेक्चर का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां पे देख के आओ। दूसरा टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में अगर आप उस लेक्चर को देख कर आएंगे तो आप पाएंगे हमने बात किया था कि व्हाट इज द एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, माना कि कोई हमारे पास क्रूड ड्रग है, जैसे मैंने मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई मूली गाजर अदरक कुछ भी है, या मान लो हल्दी है, मैंने कहा ये हल्दी की गांठ है, और हल्दी के अंदर जो केमिकल होता है वो क्या होता है, कुरकुमिन। एग्जांपल आपको पता हो, कुरकुमिन पढ़ा है, तो कुरकुमिन केमिकल है। तो इस नेचुरल क्रूड फॉर्म से केमिकल को, कुरकुमिन को बाहर निकालना, ठीक है, यानी इस क्रूड ड्रग से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। जैसे आप गन्ने का जूस पीते हैं फ्रेंड, तो गन्ने का जो पूरा स्टेम होता है उसको पेर करके जब जूस निकालते हैं, तो जूस निकालना क्या है, एक्सट्रैक्शन। क्लियर हो गया? और जब जूस निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उसी को लोग क्या बोलते हैं, मर्क बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मर्क, यानी जो गन्ने का छिलका बचेगा उसको मर्क बोलते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में समझाया हुआ है आपको, और मैंने आपको बताया था उसमें कि आपके जो कौन सी ट्रिक है, कैसे याद कर सकते हैं, कितने प्रकार के प्रोसेस होते हैं, वो ट्रिक क्या थी, मिड डे पर श्वास को करंट मारा है ना, ऑलरेडी वो उस वीडियो में है। तो उसमें आपको पता होगा कि मिड डे पे क्या है, जैसे कि उसमें है कौन कौन से टेक्निक है, मैसीरेशन है, मिड मैसीरेशन, इन्फ्यूजन, डाइजेशन, डे से डिकॉक्शन, पर श्वास, पर से परकोलेशन, श्वास से सॉक्सलेट, को करंट से काउंटर करंट, यानी कुल 5-6 प्रोसेस हैं जो हमको सिलेबस में पढ़ने। तो उसमें से जो सिंपल सोल्यूशन है, टॉपिक है, उसको हम बात करते हैं, यानी कि आपको क्लियर तो हो गया कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्यूजन। सबसे सिंपल तरीका है कि इन्फ्यूजन क्या होता है, कैसे हम इन्फ्यूजन के द्वारा किसी भी कंपाउंड से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। इसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा कि जीरा है ना, जो क्यूमिनम साइबिनम होता है उसके अंदर जो कंपाउंड है, या लौंग, हमने मान लिया कि लौंग के अंदर यूजिनॉल होता है। तो कोई भी आप ड्रग ले लो, कोई सा क्रूड ड्रग ले लो, सौंफ ले लो, जीरा ले लो, लौंग ले लो, और उससे आपसे कहा जाए कि भैया चलो उसमें से उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर निकालो। तो हम लोग अपने घरों में कैसा काम करते हैं, नेचुरल से काम करते हैं। मम्मी लोग क्या करती हैं, उस चीज को भिगा देती हैं पानी में, रात भर पानी में भीगा रहता है। जब रात भर पानी में भीगा रहता है और सुबह आप उसको छान लेते हो, तो जो पानी होता है वो एक्चुअल में उस क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्ट उस पानी में आ जाता है, और उस पानी को जो आप पी रहे हो, पानी क्या है, इन्फ्यूजन है। वो पानी क्या है, इन्फ्यूजन, यानी इन्फ्यूजन एक कैसा प्रोसेस है। पहली बात तो इन्फ्यूजन उसके लिए यूज करते हैं नेचुरल हर्ब्स के लिए, नेचुरल हर्ब्स, ठीक है, और वो नेचुरल हर्ब्स जो सॉफ्ट फॉर्म में हो, सॉफ्ट मतलब बहुत ताजे हो, बहुत सूखे हो, बहुत ड्राई ना हो, सूखे ताजे हो, सॉफ्ट फॉर्म में हो, और दूसरा वाटर सॉल्युबल हो, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट हो वो क्या हो, वाटर सॉल्युबल। तो इसमें क्या करते हैं, पहला तरीका क्या है कि उस क्रूड ड्रग को ले लो, मान लीजिए कोई क्रूड ड्रग है, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लो, यानी उस क्रूड ड्रग को पहले स्टेप में आप स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लो, और कट करने के बाद आप कोई कंटेनर ले लो, जिस कंटेनर में आप क्या रखेंगे, पानी, बेसिकली क्या है यहाँ पे, वाटर, आपको वाटर ही यूज करना है, और इस क्रूड ड्रग को इसके अंदर डाल दो, इस क्रूड ड्रग को इसके अंदर डाल दो, और पानी से इसको ढक दो, इस कंटेनर को ढक दो, और ढक दो, आप छोड़ दो 12 घंटे के लिए, 10 से 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, या 24 घंटे के लिए आप इसको छोड़ देंगे। तो आप क्या देखेंगे कि इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट थे, क्योंकि वो जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर सॉल्युबल है, वो क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के आपके इस सॉल्वेंट में, यानी वाटर में मिल जाएंगे। अगले दिन क्या करना है, आपको इसको छान लेना है। जब आप छानेंगे तो क्या पाएंगे, दूसरे कंटेनर में जो आपको कलरफुल लिक्विड मिलेगा वो उसका एक्सट्रैक्ट है, और छानने के बाद जो उसके पार्टिकल आपके छन्नी में अलग हुआ है वो क्या है, उसका मर्क है। इसमें हम मर्क को प्रेस नहीं करते, इसको मर्क को प्रेस करके और हम कंपाउंड्स नहीं निकालते हैं, बस ये सिंपल सा एक्सट्रैक्ट प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, आप सौंफ ले लो, काजू ले लो, बादाम ले लो, कुछ भी ले लो, उसको रात भर पानी में भिगा दो, अगले दिन उसका पानी पी लो,
तो जो पानी आप पियेंगे वो क्या है, इन्फ्यूजन। ये सबसे सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो एक्सट्रैक्शन करने का सबसे पुराना और सबसे सिंपल मेथड है क्या, इन्फ्यूजन। ठीक है, इन्फ्यूजन हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा इन्फ्यूजन के बाद एक दूसरा स्टेप समझेंगे, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब इन्फ्यूजन के बाद थोड़ा सा हम एक स्टेप बढ़ेंगे, हल्का सा डाइजेशन की बात करेंगे कि डाइजेशन में कैसे काम करते हैं, क्या होता है, ऐसा होता है। तो इसमें एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। तो डाइजेशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, देखो सेम चीज है, जो नेचुरल कंपाउंड है, जो ड्रग है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि जो हमने यहाँ पे पानी लिया है, सॉल्वेंट लिया है, वो नॉर्मल वाटर है, लेकिन डाइजेशन के फॉर्म में हम हॉट वाटर लेते हैं, यानी थोड़ा सा गर्म पानी। हम इसको उबालेंगे नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा, डाइजेशन में हम उबाल नहीं रहे, डाइजेशन में हम एक केवल गर्म पानी लेते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे आजकल आप देखते हैं जो ग्रीन टी आती है ना, डिप टिप वाली, तो क्या करते हैं आप, एक कप पानी लेते हैं, आप क्या करते हैं एक कप गर्म पानी लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक कप गर्म पानी लेते हैं और गर्म पानी क्या करते हैं, जो डिप टिप वाली टी आती है ना, जिसको कहते हैं ताबीज वाली टी, उस डिप टिप वाली टी को गर्म पानी ले लिया, ऑलरेडी इसमें पानी गर्म है और इसमें आपने डिप किया, तीन चार बार तीन चार डिप किया, इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कहां पे आ गया, आपके पानी में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ध्यान समझिएगा, डाइजेशन पे हम बॉयल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बॉयल वाटर लेते हैं और बॉयल वाटर को लेकर कंटेनर में रखते हैं और उस कंटेनर में अपने क्रूड ड्रग को, जो क्रूड ड्रग हमारा कटा हुआ है, उसको उसमें डाल देते हैं और डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तो हम डिप डिप कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब उसको आप कुछ घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, कुछ देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, और फिर बाद में जब आपका पानी ठंडा हो जाएगा, यानी गर्म पानी जब आपका ठंडा हो जाए, काफी ठंडा हो जाए, तो फिर आप छान लीजिए। तो आप जब छानेंगे तो जो आप बिल्कुल सेम कहानी पे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट अलग हो जाएगा और मर्क आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इस बार देखिए क्या फर्क है, इन्फ्यूजन और डाइजेशन में फर्क क्या है। इन्फ्यूजन में हमने सेम प्रोसेस किया नॉर्मल वाटर के साथ, और डाइजेशन हमने किया हॉट वाटर के साथ। तो इस केस में क्या होता है, इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा हार्ड ड्रग यूज करते हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि अदरक है, तो अदरक अगर आपने नॉर्मल ले लिया, हरा है, ताजा अदरक है, तो वो आपके इसमें आएगा, लेकिन अगर वो सूख गया है, सोड बन गया है, तो वो किस केस में आएगा, वो डाइजेशन में आएगा। यानी जो सूखे वाले ड्रग होते हैं, जो थोड़े से हार्ड होते हैं और जो टेम्परेचर में स्टेबल हो जाते हैं, वो सारे जो किस्में होते हैं, वो डाइजेशन प्रोसेस में आते हैं। ठीक है फ्रेंड, तीसरी हम बात करेंगे डिकॉक्शन। अब हम तीसरा प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं, व्हाट इज द डिकॉक्शन प्रोसेस। डिकॉक्शन प्रोसेस आपको याद करना है फ्रेंड, तो सिंपल सा है, चाय बनाना याद कर लो। चाय बनाना जिसको आता है, समझ लो आप जो घर में चाय पीते हैं, वो एक्चुअल में डिकॉक्शन है। कैसे करते हैं चाय बनाने में, कि हमारा जो चाय पत्ती होता है, ठीक है, उस चाय पत्ती में क्या है, कैफीन है, तो उस कैफीन को, निकोटीन को निकालने के लिए क्या करते हैं हम, चाय पत्ती कैसे करते हैं, गर्म पानी में, गर्म सॉल्वेंट में चाय पत्ती को उबालते हैं। तो हम चाय पत्ती को रख के गर्म करते हैं। देखो इस केस में क्या था, गर्म पानी रख में डाला था, इस बार गर्म पानी में नहीं डालेंगे, नॉर्मल पानी डाल दो, पानी को गर्म करेंगे, पानी को बॉयल करेंगे। जब पानी को हम बॉयल करेंगे, तो उसमें से जितने भी मटेरियल हैं, उसके एक्सट्रैक्ट जो है, वो कंटेंट से बाहर निकलेंगे। बाद में हम चाय छान देते हैं, तो सारा निकोटीन कैफीन हमारे कप में आ जाता है, और जो मर्क बचता है, कूड़ा बचता है, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। यही करते हैं ना। तो डिकॉक्शन प्रोसेस एक सिंपल सा चाय बनाने का प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो क्रूड ड्रग है, उस क्रूड ड्रग को स्मॉल पीस में कट करते हैं। ठीक है, स्मॉल पीस में कट कर सकते हैं, या कट करने के बाद इसको हम पाउडर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी इसको पीस करके हम और साइज रिडक्शन करके पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम कंटेनर में रखेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे, ये सॉल्वेंट हमारा कौन सा होगा, वाटर होगा, और उस सॉल्वेंट में इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसको बर्नर ऑन करेंगे, और बर्नर ऑन करके इसको हम बॉइलिंग पॉइंट तक इसके गर्म करेंगे। कितनी देर तक, 10 से 15 मिनट। सिर्फ कितनी देर तक फ्रेंड, 10 से 15 मिनट तक इसको हम गर्म करेंगे। और जब 10 से 15 मिनट तक हम गर्म करेंगे, तो सारा जो एक्सट्रैक्ट है इसका, बेसिकली इसका एग्जांपल चाय बनाना है, तो जो चाय पत्ती से, यानी चाय के जो पार्टिकल्स हैं, उससे जितने भी निकोटीन कैफीन निकल जाएगा, और फिर क्या करेंगे हम, इसको छान करके एक्सट्रैक्ट अलग कर लेंगे, मर्क अलग कर लेंगे। तो डिकॉक्शन प्रोसेस क्या है, अलग प्रोसेस है। तो हमने तीन प्रोसेस समझा अब तक की क्लास में। ठीक है, तो इन्फ्यूजन सिंपल है, ड्रग को किसमें डालना है, सादे पानी में, नॉर्मल पानी में, कितनी देर के लिए, 10-12 घंटे के लिए। डाइजेशन क्या है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, उसमें क्या करना है, हमको मटेरियल को डालना है गर्म पानी में।
डिकॉक्शन उससे थोड़ा सा और ऊपर है कि इसमें हम पानी में डाल के उसको गर्म करेंगे, उसको बॉयल करेंगे 15-20 मिनट तक हाई टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे, जब भाप निकलना शुरू हो जाएगा तो उस केस में एक्सट्रैक्ट होगा। ये हमारे तीन प्रोसेस हो गए। अब हम एक चौथे प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हमारा चौथा प्रोसेस है मैसिरेशन। ठीक है, चौथा प्रोसेस है फ्रेंड मैसिरेशन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो हम मैसिरेशन पे बात करेंगे। तो नंबर फोर इज मैसिरेशन। ठीक है, तो मैसिरेशन प्रोसेस देखिए दो अलग अलग चीजों के लिए हो सकता है, एक नॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के लिए होता है। जैसे प्लांट का, अब आप समझिए कि क्या ऑर्गेनाइज्ड पार्ट है क्या अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट है। जैसे हमारा कोई प्लांट है फ्रेंड, तो उस प्लांट में जो भी उसके सिंपल्स है, लीफ है, रूट है, स्टेम है, फ्रूट है, फ्लावर है, सीड, दे आर द ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। और अनऑर्गेनाइज प्लांट क्या, जो उसके अंदर से लैटेक्स निकलता है, जो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट निकलता है, या उसके अंदर से जो भी एल्कोलाइड निकलता है, ग्लाइकोसाइड निकलता है, वो उसके क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यानी उसके अनऑर्गेनाइज प्लांट है। तो ऑर्गन जो गोंद निकलता है ना, गम निकलता है, तो ये मैसिरेशन दोनों के लिए होते हैं, ऑर्गेनाइज पार्ट के लिए और अनऑर्गेनाइज पार्ट दोनों के लिए होते हैं। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए सिंपल सा टेक्निक क्या है, इसमें हम सिंपल सा वाटर लेते हैं। अब इस केस में हम सिंपल वाटर भी ले सकते हैं या हम एल्कोहल भी ले सकते हैं। बेसिकली मैसिरेशन के लिए एल्कोहल का ही यूज किया जाता है, जो बाकी तीन प्रोसेस से नहीं हो पाता है वो एल्कोहल से होता है, क्योंकि एल्कोहल काफी अच्छा सॉल्वेंट है, और जो भी हमारे ड्रग्स जैसे ग्लाइकोसाइड्स हैं, एल्कोलाइड्स हैं, टैनिंस हैं, रेजिन्स हैं, वो एल्कोहल में बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हम प्लांट का कोई एक पार्ट लेते हैं, ड्राई पार्ट लेते हैं, उस पार्ट को हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, कट करने के बाद इसको पीसते हैं और इसका साइज रिडक्शन करते हैं, इसको और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, इसको प्रॉपरली ड्राई करते हैं। पहले इस पार्ट को लेंगे, क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे, फिर ड्राई करेंगे, फिर इसको छोटे पार्ट में कट करेंगे, कट करने के बाद मैसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको इसमें भर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो रेशियो है क्या रहेगा, जो इसमें रेशियो होगा वो 1/4 या 1/5 का रेशियो होगा। यानी अगर आप 200 ग्राम ये ड्रग है तो पानी 1 लीटर होना चाहिए या 2 लीटर, मतलब वो रेशियो उसी हिसाब से होना चाहिए, 4/5 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, 1/4 का रेशियो होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम भर देंगे सॉल्वेंट। अब वो हमारा सॉल्वेंट क्या है, एल्कोहल है, वाटर है, कुछ भी है, और सॉल्वेंट में रखने के बाद इसको हम ढक देंगे। जैसे आप देखिए कैसे कर रहे थे, जो आपने पहले वाले स्टेप में इन्फ्यूजन में किया था, सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम ढक नहीं रहे हैं, इस बार एल्कोहल यूज कर रहे हैं, और सॉरी ढक नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको हीट नहीं कर रहे हैं। और क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे काफी दिनों के लिए। अब ये रखा जाएगा 6 से 7 दिन के लिए या 10 से 15 दिन के लिए। ये छोटे मतलब वो इन्फ्यूजन जो था वो 12 घंटे के लिए होता था, 10 से 12 घंटे के लिए, ये आपके 15-15 दिन के लिए, महीने महीने भर के लिए। आपने देखा है घरों मम्मी लोग कुछ बनाती हैं तो छत पे कुछ ढक के रख देती हैं, करीब 10 दिन 15 दिन पड़ा रहता है, ऐसे सिरका बनता है, विनेगर बनता है, या और भी चीजें बनती हैं। तो इसको हम काफी दिनों तक छोड़ के रख देते हैं। जब इसको चार्ज छोड़ते हैं और हर 10-12 घंटे में इसको हम सेक करते हैं, मम्मी लोग चलाती रहती हैं, तो इसको लगातार हम सेक करते रहेंगे तो कंटेंट निकलता रहेगा, फिर छोड़ देंगे, फिर 10-12 घंटे पड़ा रहेगा, फिर सेक करेंगे। इसको ढकना जरूरी है क्योंकि एल्कोहल बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, तो इसलिए इसको ढक के हम रखेंगे और 10-12 दिन तक इसको रख के करते रहेंगे, 15 दिन 20 दिन 1 महीने जितना भी करते रहेंगे। और लास्ट में जब हमको लगेगा कि इस सॉल्वेंट का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, और सॉल्वेंट का कलर चेंज होने का मतलब ही होता है कि इसका एक्सट्रैक्ट बाहर निकल चुका है, और जब सॉल्वेंट का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, पहले तो ये क्लियर रहेगा, वाटर या अल्कोहल कुछ भी नहीं, क्लियर रहेगा, बाद में एकदम ब्राउन या ब्लैक या कुछ भी हो जाएगा, तो जब पूरी तरह से बदल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको छान करके मर्क अलग कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट को अलग कर लेंगे। दिस इज द सिंपल प्रोसेस मैसिरेशन। ठीक है फ्रेंड, तो सारे प्रोसेस को मैंने बहुत आसान तरीके से समझा दिया है, आपने ऑलरेडी नोट्स बनाया होगा, बुक में इसको स्टडी करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो ये था मैसिरेशन, इंपॉर्टेंट था। अब इसमें है आपका सबसे इंपॉर्टेंट परकोलेशन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। परकोलेशन प्रोसेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, और उसी में सॉक्सलेट और काउंटर करंट की बात करूंगा, और फिर चैप्टर को भी फिनिश करूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट देखते रहिएगा, बहुत जल्दी फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का पूरा मैं फिनिश कर दूंगा, जो बच्चे हुए पार्ट है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।